हेलो बच्चों, तो आज का नया वीडियो जो होगा वो होगा घन के विकर्ण के बारे में। यानी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, घन का विकर्ण जो पिछले वीडियो में बनाए थे आयतन के, संपूर्ण प्रस्थ के, तो उन्हीं से आगे बढ़ते हैं घन के विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है, तो ऐसी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती किसी भी चीज़ के अंदर वो विकर्ण कहलाता है। जैसे कि घन है, तो घन में क्या होता है, सारे साइड बराबर होती हैं, सारे साइड इक्वल होती हैं, वो घन कहलाता है। अगर उसी में से एक सबसे बड़ी भुजा में लेनी हो तो विकर्ण कहलाती है। विकर्ण निकालते कैसे हैं, ये एक प्रॉब्लम है, तो उसके फॉर्मूला बताऊंगा ताकि उसको आसानी से आप कर सकें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि विकर्ण होता है क्या है। ऐसे क्या डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारे साइड इक्वल है तो ये घन बन गया, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो सारे साइड जब इक्वल हो जाती है वो क्या घन बन जाता है। लेकिन अगर उसके हमें विकर्ण निकालनी है तो किसी भी एक कोने से उठा लीजिए अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये बन जाएगा इसका विकर्ण। तो ये इसका विकर्ण है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए अंडर रूट थ्री, क्या होता है ए अंडर रूट थ्री होता है। यहाँ पर ए मतलब साइड है और रूट थ्री आपके यहाँ पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सारे भुजाएं बराबर होती है इसलिए रूट थ्री आता है। अगर इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसकी हेल्प से आपको रूट थ्री में आ जाए कैसे आएगा। फिर हम लोग डिस्कस क्या करना है, केवल फॉर्मूले के बारे में, तो एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस घन का विकर्ण फाइंड करना है। जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो यहाँ भुजा कितनी दी गई है 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर, हमें इसका विकर्ण फाइंड करना है। तो विकर्ण फॉर्मूला क्या है, घन का विकर्ण बराबर ए अंडर रूट थ्री, कितना हो जाएगा ए, तो ए का मान 4, रूट थ्री ऐसे रखा। अब यहाँ पे एक तरीका है, तो हम इस सवाल को यहीं खत्म कर दें, जैसे हमें सेंटीमीटर में दिया है तो इसको यहीं खत्म करके तो भी आंसर पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर चाहते हैं और कैलकुलेशन करना, ये डिपेंड करता है सवाल में कैसा पूछा जाता है। अगर इनके सवाल में पूछा गया इसका मान पॉइंट में निकालो तो आपको रूट थ्री का मान रखना पड़ेगा, या सिर्फ कहता है विकर्ण फाइंड को, तो इतने सवाल खत्म कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि सवाल के हिसाब से, तो हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। रूट थ्री का मान 1.732 होता है, ये काफ़ी यूजफुल है, आप याद कर लो रूट थ्री और रूट टू का मान हमेशा हर जगह आ जाते हैं। इसके मल्टीप्लाई है 4 × 8 = 12, 4 × 28 = 29, 9 × 4 = 6, 5 × 4 = 6 तो ये क्या निकला है इसका विकर्ण। एग्जैक्ट पॉइंट में गए तो हम लोग को 6.928 सेंटीमीटर का विकर्ण मिलता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर विकर्ण का फॉर्मूला पता है तो विकर्ण को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ, और साइड भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना लगेगा, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और ऐसे वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि और अच्छे आपको वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।